नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ऑप्शन रिसोर्ट के पास नेशनल हाईवे 12 में हुई आदित्य भारद्वाज की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। नेशनल हाईवे में किनारे पड़ी युवक के जघन्य हत्या के मामले में आरोपी एक तरफ खुलेआम घूम रहा है, तो वहीं पुलिस के हाथ अब तक आरोपी के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों के साथ संदिग्ध आरोपियों से इस मामले में लगातार पूछताछ चल रही है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अब परिजनों ने भी पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल 13 नवम्बर की दरमियानी रात शहपुरा थाना क्षेत्र गंज कटंगा निवासी आदित्य राज भारद्वाज बरगी स्थित वीपी सिंह के क्रेशर में मैनेजमेंट का कार्य करता है। आदित्य राज भारद्वाज 13 नवम्बर की सुबह घर से काम के लिए निकला था, लेकिन रात करीब 11 बजे तक घर न पहुंचने और मोबाइल बंद होने की स्थिति में आदित्य के पिता गुरुदयाल भारद्वाज सहित आस पड़ोस के लोग उसकी तलाश में निकले थे। तभी परिजनों ने देखा कि ऑप्शन होटल के पास आदित्य को लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। तभी पिता ने देखा कि आदित्य की सांसें चल रही थी, लेकिन वह कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा था। अस्पताल जाते समय आदित्य ने पिता को बताया कि उसको 4 लोगों ने मिलकर मारा है, लेकिन वह किसी का नाम नहीं बता पा रहा था, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां देर रात इलाज के दौरान आदित्य की मौत हो गई। घटना की सूचना लगते ही भेड़ाघाट टीआई शफीक खान मरचूरी पहुंची, जहां परिजनों के बयान लिए गए। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन पूरे मामले में 9 दिन बीत जाने के बाद अब भी खाली है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि करीब 2 साल पहले भी आदित्य पर उसकी गर्लफ्रेंड के दोस्तों ने चाकू से प्राणघातक हमला किया था। हमले के बाद से आदित्य ने लड़की सहित अन्य लोगों से दूरी बना ली थी, लेकिन क्षेत्र में आदित्य की या परिवार की किसी से ऐसी रंजिश नहीं थी जिसके लिए हत्या करनी पड़े। परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह रात करीब 10 बजे से आदित्य को लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। आदित्य की हत्या करने वाले मोबाइल अपने साथ ले गए हैं। मोबाइल मिलने से आरोपी सहित हत्या की राह से पर्दा उठ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। मेरा बच्चा आदित्य भारद्वाज, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसको किसी कारणवश, कोई भी कारण नहीं था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज 8 दिन हो जाने के उपरांत भी उसके कातिलों का कोई क्लू नहीं मिला है, कोई संकेत नहीं मिला है। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से निवेदन करते हैं कि मेरे बच्चे के कातिलों का जल्द से जल्द पता करें, कम से कम इस माँ की आत्मा को शांति तो मिलेगी। पुलिस क्या कहा 8 दिन से? पुलिस का क्या है? पुलिस का कुछ भी, मतलब पुलिस हमेशा यही कह रही है कि हो रहा है, एक दो दिन में पता चलेगा, लेकिन आज तक कोई खबर नहीं मिल पाई। मैडम, एक भारद्वाज की भेड़ाघाट ढाबे के पास एक लाश मिलती हुई थी, उसमें अभी तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? इसमें भी हमने जो है मुखबिर लगाए हुए हैं और इसमें हमें आरोपियों का थोड़ा पता चल रहा है। इस के लिए अच्छी एक टीम जो है डेडिकेटेड लगाई गई है, जो कि हर तरीके से साइबर सीसीटीवी मुखबिरी के थ्रू इस प्रकरण में मेहनत कर रही है, तो जल्द ही इस प्रकरण का भी खुलासा होगा। इनाम भी घोषित किया गया है। हाँ, इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और मतलब हमें यकीन है कि हम जल्दी उसमें भी सफलता हासिल करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।